हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों जो फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा, और ये आपको प्रॉफिट देगा ही देगा। आप लिख के रख लो दोस्तों, प्रॉफिट देगा ही देगा, ठीक है, चाहे जो भी हो जाए प्रॉफिट तो आपको दे के ही रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों आप तो समझ रहे हो, जिसको HDFC AMC के बारे में पता है वो तो भाई इसके पीछे मतलब जाना ही नहीं चाहेगा, मतलब मेरे कहने का मतलब इसको छोड़ के जाना ही नहीं चाहेगा। क्योंकि दोस्तों HDFC AMC वो स्टॉक है जिन्होंने मतलब कि बहुत लोगों को अच्छा से अच्छा प्रॉफिट दिया है। दोस्तों ये स्टॉक बहुत लोगों को अच्छा से अच्छा प्रॉफिट दे चुका है, और ये स्टॉक अगर देखोगे इसका परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। यहाँ पर देख सकते हो स्टॉक 2019 में, ठीक है, कब 2019 में एक 1300 के आसपास दोस्तों, ठीक है, 1300 के आसपास इसने लोएस्ट बनाया था। उसके बाद जो इसमें बाउंस बैक आया आप देख सकते हो दोस्तों, 3800 को भी टच कर दिया, और 4000 को जल्दी ये टच ही करने वाला था, लेकिन बाय चांस दोस्तों ये टच नहीं कर पाया, ठीक है। लेकिन हम ये फाइंड आउट करना चाहेंगे कि ये स्टॉक का जो बॉटम बनेगा दोस्तों वो कहाँ बनेगा, 1800, 1600 या और कितना गिर सकता है स्टॉक, क्योंकि दोस्तों ये स्टॉक गिर रहा है बस कोरोना वायरस की वजह से। और मैं बोल रहा हूँ, जिस दिन ये सब कुछ सही हो गया, ये स्टॉक अगर आपने ख़रीदा तो आपको जम के प्रॉफिट देगा, जम के प्रॉफिट देगा। ऐसे स्टॉक से अपना नज़र तक नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि दोबारा चांस नहीं मिलता है, दोबारा चांस नहीं मिलता, मतलब फर्स्ट टाइम आपको चांस मिल गया तो छोड़ना नहीं है, ठीक है। ऐसे स्टॉक आप देख सकते हो दोस्तों, HDFC 3800 के आसपास ये गया, और फिर मान लीजिए 4000 के आसपास दोस्तों ये स्टॉक गया, ठीक है, 4000 को टच करने वाला था, लेकिन दोस्तों फाइनली आपको मिल रहा है कितने रुपीस में, 2000 रुपीस में मिल रहा, हो सकता है दोस्तों 2000 से भी नीचे मिले, ठीक है। तो इसके लिए हम दोस्तों पता लगाना चाहेंगे ये स्टॉक का बॉटम क्या है, ठीक है। तो दोस्तों ये स्टॉक के बॉटम के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं स्टॉक ने एक ही लेवल को कम से कम 3 से 4 बार टच करने का कोशिश किया। फर्स्ट जो बहुत ज़्यादा गिरावट था, ठीक है, तो ये वाला, ठीक है, ये कहाँ तक गया था, अराउंड 2000 के आसपास था, ठीक है। सेकेंड गिरावट जब होता है दोस्तों यहाँ पर, फिर भी दोस्तों ये भी अराउंड 2200 के आसपास था। ये जो थर्ड गिरावट होता है दोस्तों, फिर भी ये जो है ये गिरावट की बात हो रही है, ठीक है, तो ये भी दोस्तों 2000 के रेंज में। फिर ये जो गिरावट होता है उसके बाद ये, तो दोस्तों ये 2000 को टच करता है, 2000 को टच करता हो, तो हमें ये स्टॉक को किस प्राइस पर खरीदना चाहिए वो मैं आज आपको बताऊँगा दोस्तों। इसका जो लोअर लेवल बन सकता है दोस्तों, जो बॉटम बन सकता है वो है 1900, ठीक है, 1900 अराउंड 1900 में आपको लिख के भी प्राइस बता दे रहा हूँ, 1900 के आसपास आपको खरीदना, अराउंड 1900, ठीक है। इस प्राइस पे आपको खरीदोगे तो आपको और अच्छा से अच्छा लेवल मिलेगा, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, क्योंकि अगर किसी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को अगर मोर देन 50% के आसपास अगर आप डिस्काउंट पर खरीदते हो तो वो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा दोस्तों, मतलब देगा ही देगा। वॉरेन बफेट का साफ साफ कहना है कि अगर हम किसी भी चीज़ को खरीदते हैं और लेस देन, मतलब जो उसका एक्चुअल प्राइस है उससे हम लेस खरीदते हैं, उससे कम, ठीक है, उससे कम में, तो आपको बिल्कुल प्रॉफिट होगा ही होगा। तो ये है दोस्तों HDFC AMC, जिसको हमें अपने हाथ से नहीं जाने देना है। हाँ, भले ही दोस्तों गवर्नमेंट एक्शन लेने में थोड़ा सा टाइम लग जाए, हमारे जितने भी इंडिया में प्रॉब्लम चल रहा है सॉल्व होने में थोड़ा टाइम लगे, लेकिन ऐसे स्टॉक पे आपको नज़र रखना चाहिए। जब भी आपको मौका मिले तो आपको ख़रीदारी करना स्टार्ट कर देना है, भले ही आपको SIP करना चाहिए दोस्तों। अब हम अगर SIP करते हैं HDFC AMC में, ठीक है, SIP करते हैं, तो किस तरह से हमें SIP करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अगर मान लीजिए ये स्टॉक 1000 बता देता हूँ, ठीक है, 1900 के आसपास में अगर आपको मिलता है भाई, ठीक है, 1900 के आसपास मिलता है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, इस प्राइस पे 1900 के आसपास आपको क्या करना है, 30% अपना कैपिटल लगा देना है, 30% कैपिटल, ठीक है। SIP करने का भी देखिए बहुत ज़्यादा ट्रिक होता है, और उसके भी बहुत मेथड होते हैं। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि नहीं, गया और SIP में सारा पैसा डाल रहा हूँ, 5000 पर मंथ डाल रहा हूँ, हर एक SIP करने का अलग अलग मोड होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, 30% आपको लगा देना है, 30% कैपिटल, ठीक है, जो भी आप मान लीजिए 1 लाख रुपये आप लगाना चाहते हो तो 30,000 रुपये डाल दो। कब, कौन से प्राइस पे डालना है, 1900 पे, ठीक है, 1900 पे आपको डालना है, ठीक है। और जब भी स्टॉक में थोड़ी भी गिरावट होती है तो 10% कैपिटल डाल दो,
गिरावट होती है 10% कैपिटल डाल दो। उसके बाद दोस्तों नीचे आप देखो 10% करके डालोगे, हो सकता है मार्केट, देखिए मैंने कल क्या बोला, जब भी गिरावट होता है हो सकता है दोस्तों मार्केट 7 दिन गिरे, 1 सप्ताह गिर सकता है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, देखिए जब मार्केट डाउन आएगा ठीक है उसके बाद अप भी जाता है जैसे कि आज के डेट में, तो दोस्तों जब अप आएगा तो हमें 10% नहीं डालना है, जब भी गिरावट आएगा तब हमें 10% डालना है। तो मान लेते हैं कि 2 सप्ते में 7 दिन मार्केट गिरा ठीक है, डाउन गया और 7 दिन मार्केट अप गया, तो दोस्तों मान लीजिए टोटल 15 डेज हो गए, और 15 डेज तक मार्केट गिर सकता, ज़्यादा ज़्यादा नहीं गिर सकता ठीक है। किस प्राइस के बाद में बात कर रहा हूँ, 1900 के ठीक है दोस्तों। इस टाइम जब अगर ऐसे आप SIP करोगे जैसे मैं बोल रहा हूँ, आपका जो दोस्तों HDFC प्राइस देखिए ऐसे जा रहा है फिर ऐसे गिरा, आपका जो बेस बनेगा ना आप भी नहीं सोच पाओगे कि कितने लोअर लेवल पर आपने खरीदारी की है। और विश्वास कीजिए जब आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फील होगा कि हाँ आपने एक अच्छी तरीके से खरीदारी की है। और जहाँ तक दोस्तों अगर हम बिजनेस मॉडल की बात कर लेते हैं और शेयर होल्डर पैटर्न, तो दोस्तों सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी प्रमोटर्स के पास है, प्रमोटर्स किसी को नहीं देता क्योंकि प्रमोटर्स को पता है प्रॉफिट होने वाला है। बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जो अपना होल्डिंग क्या करते हैं प्लेस कर देते हैं दोस्तों, 50%, 30%, 40% प्लेस कर देते हैं, लेकिन ऐसी कुछ बिजनेस भी है यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, इंक्रीज फॉरेन इंस्टीट्यूशन होल्डिंग कितना 2.36%, मतलब कि दोस्तों उन्होंने 2.5% के आसपास ठीक है 2.5% के आसपास उन्होंने क्या किया, अपना होल्डिंग को इंक्रीज कर दिया, क्यों, ताकि उनको अच्छा से अच्छा प्रॉफिट हो। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं बी रेडी, और दोस्तों वीडियो देखते रहिए, कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए, क्योंकि ये जो मार्केट में गिरावट हो रही है दोस्तों, आप जितना 5 साल में पैसा नहीं कमा पाओगे 5 ईयर में, उतना आप दोस्तों 5 या 6 मंथ में आप कमा लोगे इस गिरावट में। ये गिरावट को आप एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे ठीक है, अपॉर्चुनिटी मौका के तौर पे बस आप मतलब देखो, आपको अच्छा से अच्छा प्रॉफिट होगा ठीक है दोस्तों। तो हम वेट करेंगे, जब इसका बॉटम जल्दी आ जाएगा तो हम उस प्राइस पे खरीदारी भी स्टार्ट कर देंगे ठीक है ना। मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में।